बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी हमारी हमेशा यही दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा बिल्कुल खुश रहे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? कहाँ की तैयारी है? शॉपिंग करने जा रहे हैं। अरे वाह भाई, दुल्हन ने अभी तक नहीं की, आप कर रहे हैं? करनी है ना बच्चों की शॉपिंग, कल तो आप ही करके आए हैं मुल्तान से। वो तो बस शेरवानी लिया ना मैंने, अभी कपड़े तो लेने हैं सारे, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। चले अभी फिलहाल बच्चों को करवाने जा रहे हैं हम। अच्छा, तो फिर आप भी जा रहे हैं मेरे ख्याल से? मैं भी जा रहा हूँ, साथ चलते हैं ना। चले, सही सही सही। अच्छा भाई, सीन ये है कि भाई लोग, भाभी लोग, छोटे बच्चे जो है वो तो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन ये है कि अभी मैं भी जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी मैं रवाना होने लगा हूँ। कल तो हम जस्ट शेरवानी लेकर आए थे, लेकिन ये है कि बाद में भाई जस्ट शेरवानी तो नहीं पहननी होती ना, बाकी भी बहुत सारा रोले होते हैं, कपड़े, शूज और भी बहुत कुछ होता है लेने के लिए ना। तो वो इंशाल्लाह आज हम लेना है। तो मजे की बात यह है कि आज मिस्त्री भाई नहीं आए। ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया, ऐसा है कि वो कहीं और मसरूफ हो गए, मतलब उन लोगों ने कहा कि आज माजरत कर ली कि आज हम नहीं आ रहे, तो कल हम इंशाल्लाह आएंगे और कल आपको काम जब वो खत्म करके देंगे। आज ना ही मिस्त्री भाई आए हैं, ना ही मतलब इलेक्ट्रिशियन भाई आए हैं। अभी जो सिर्फ आए हुए हैं ना वो हैं जी प्लम्बर भाई, मतलब इनकी हिम्मत देखो, वो नहीं है ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है, खैर खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनाए काम चल रहा है? जी जी, मेरे ख्याल में तकरीबन हो गया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जी, पहले पहले जी ये देखें जी, सीट, टैंकी, उसके बाद ये भी लग गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे सामने बेसन रहा, यहाँ पे शावर रहा, यहाँ पे काउंटी लगा दिया दरवाजे के बिल्कुल पीछे, तो कुछ इस तरह का माहौल जो है वो बन गया हुआ है। अभी सिर्फ कमी है तो टाइल की है, यहाँ टाइल जो है वो अभी हम नहीं लगा रहे। टाइल जो है वो हम शादी के बाद ही कभी देखेंगे इंशाल्लाह, अभी टाइल नहीं लगवा रहे। फिलहाल ऐसे यूज़ करेंगे, बस इसी को प्लस्तर करवा के ना थोड़ा मतलब सेटिंग करवा लेंगे इसकी, लेकिन ये है कि फिलहाल जो बन रहा है बस वही ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, खपरेल जो है वो माशाल्लाह ऊपर ऊपर सारी लग गई हुई है। देखें दूर से कितनी प्यारी लग रही है, इसके ऊपर भी लग गई है, ऊपर ऊपर भी सारे लग गई हुई है, बस जो रहता है वो भी शेड रहता है, ठीक है। शेड की भी आई हुई है, ये पड़ी है, कुछ बाहर पड़ी है, कुछ टुकड़े ये पड़े हैं, तो इंशाल्लाह क्या है कि ये भी कल लग जाएगी इंशाल्लाह। तो खैर अभी चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में, कुछ डेढ़ दो का टाइम है, धूप है, इतनी कड़ा की धूप है ना, तो धूप में जाना फिर वहाँ पर शॉपिंग करना रंग ही काला हो जाता है, यकीन करें। तो खैर अभी बाइक पर चलते हैं और शोर आ रहा है, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा भाई, अभी पहुंच चुके हैं जी शॉप पे, और यहाँ पे जी है ना कि देख रहे हैं अभी कपड़े ना, क्योंकि शेरवानी और वास्कोट को मतलब मद्देनज़र रखते हुए उसकी मैचिंग के लिए हम कपड़े लेंगे ना। तो एक सूट आया है सामने काटन का, ये रफ में है, प्लेन में नहीं, हल्के से इस पे डिज़ाइनिंग है, तो अभी देखते हैं कोई ना कोई इंशाल्लाह कोई ना कोई ले के जाएँगे। अच्छा भाई, कब के यहाँ पर बैठे हुए हैं और पसंद कर रहे हैं भाई, अल्ताफ भी मेरे साथ थे, तो कोई पसंद आ नहीं रहा था ना, तो अभी फाइनली बड़ी मुश्किल से जस्ट दो सूट जो हैं वो पसंद आए हैं, वो भी मतलब वलीमे और बरात के लिए, मतलब एक शेरवानी के नीचे एक वास्कोट के नीचे, वो ये रहे जी ये दो डब्बे, मतलब इसका जो ब्रांड है वो है शाहसवार, ठीक है। तो इसका पहले इसको खोलते हैं, इसका देखें जी ये प्योर वाइट में है और ये इतनी सॉफ्ट काटन ना कमाल की चीज़ है। उसके बाद दूसरा ये भी वही ब्रांड है शाहसवार, ये है जी उसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग है इसमें, ये देखें थोड़ी डिज़ाइनिंग है, लेकिन ये होगा हाफ वाइट बोल सकते हैं, क्रीम कलर इसको बोल सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हाफ वाइट है वो मैं पहनूंगा वास्कोट के नीचे, सही है, तो जो प्योर वाइट है वो मैं पहनूंगा शेरवानी के नीचे, तो इस तरह कम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, होप सो। चलें अच्छा, ये एक ये डन कर दें, ठीक है, ये वाइट में हो गया और ये हो गया इसमें, ये क्रीम कलर में, ठीक हो गया। वो वाला दो सूट पसंद करने के बाद अभी हमारे पास ना बहुत सारे कलर जब वो आ चुके हैं, इनमें से भी हमने लेना है एक दो, मतलब ये देखें कलर चेक करें आप लोग, भाई साहब बड़े हैवी कलर हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें काफ़ी सारे जो वो कलर यहाँ पे बिखरे हुए हैं, और ये जी आसमानी कलर ब्लू हो गया ना, क्योंकि ऐसा है कि भाई मैंने जो बारात और वलीमे का ड्रेस लेना वो थोड़ा अच्छा करके लिया है, बाकी बच गए मतलब वो हम घर के रूटीन के लिए वो थोड़ा नॉर्मल लेंगे,
घर में तो जो भी हो चल जाता है। चलो भाई फाइनली काफ़ी देर के बाद ना और काफ़ी पसंद करने के बाद और उसके बाद पैसा पूसा लगाने के बाद भी हमने जो वो शॉपिंग कर ली है और शॉपिंग के डब्बे जो है हमारे सामने पड़े हैं। बस ऐसा है क्योंकि आगे दिन कम रहते हैं तो ऐसा करेंगे हम ये ना टेलर को दे के जाएंगे, तो एक हफ्ता क्योंकि रहता है 10 दिन इन्फेक्ट रहते हैं तो एक हफ्ता तो वो लेगा हमसे इसको स्टिच के लिए। ये रहे जी 3 पैक 1 2 3 चले सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पढ़ो भाई। चलें जी, हमारे कपड़े जो है वो मतलब पेमेश वगैरह हो गया, कपड़े जो वहाँ पे रख दिए हुए हैं तो अभी ऐसे पहुँचते हैं। ये तो छोड़ना पड़ेगा तुझे। अच्छा जी सुनाएं, एक तो कपड़े की क्वालिटी बताएं, दूसरा ये कि कब तक दे देंगे आप? बुध वाले दिन देंगे, एक हफ्ते के बाद आपको। बुध वाले दिन मतलब एक पूरा हफ्ता? हाँ, चलें देख लें आगे क्योंकि हमारी जो शादी है ना वो है 17-18 को, तो उससे पहले ही हो जाए बस वो तो इंशाल्लाह, क्योंकि बाद में इसको धुलवाने भी होते हैं, कलर वगैरह भी होता है। सही है, वो आप करा लें, ये भी ओके करा लें। चलें चलें सर, ओके ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये काम तो हुआ फाइनल, मतलब कपड़े आज शॉपिंग करके वो हमने टेलर को भी दे दी है। ये काम भाई इसकी टेंशन तो गई, अभी ये है कि शूज़ वगैरह रहते हैं और सामान रहता है तो वो भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करके लेंगे। और अभी मौसम आप चेक कर सकते हैं, मौसम थोड़ा प्यारा वाला बन गया है। हाँ जी, क्या सीन है? अब अकेडमी जा रहे हैं भाई। आपने अकेडमी जाना होगा और मैं घर जा रहा है, सीधा घर। चलें जी, चलें चलते हैं जी, मैं बाइक लेके आता हूँ। यार बाइक का इशारा जो है वो अभी तक इंडिकेटर देखें टूटा हुआ है, मैंने नहीं बनवाया। खैर ये भी बनवाते हैं आज इंशाल्लाह, वहीं से बनवाएंगे, अपने चौक से बनवाएंगे। ओए होए होए भाई साहब, किसी की बारात जा रही है, पता नहीं ये कौन खुश नसीब है ना। टेंशन लेने का नहीं है ब्रो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक डेढ़ हफ्ते बाद ना हम भी इस तरह जा रहे होंगे, है ना। ओए हेलो, बारात जा रही है यार, देख के दुख होता है। नहीं, गाड़ी चेंज करेंगे। दूल्हे मियां हमसे मिल लो यार, कोई आशीर्वाद ही दे दो। माशाल्लाह भाई साहब, शॉपिंग करते करते काफ़ी टाइम लग गया था ना, तो अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल में कोई 3 बजे का, 3:30 बजे का, इनफैक्ट 4:30 बजे का टाइम हो रहा है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया, खाना वगैरह नहीं खाया था ना, तो अभी आ चुके हैं बिरयानी शॉप पे, यहाँ से खाते हैं खाना। मौसम काफ़ी ख़राब होने लगा है, बारिश कभी भी आ सकती है भाई, तो इसलिए इंशाल्लाह फटाफट। दादा जाने ना, वो वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट था कुछ कचरा, उसको ना आग लगाई हुई है। माशाल्लाह। अच्छा भाई, जैसे ही मैं घर वापस आया ना तो मुझे एटलीस्ट अपने घर की एक चीज़ तो कंप्लीट मिली है, एटलीस्ट। ठीक है, मतलब अभी मिस्त्री को सारा काम रहता है लेकिन एक चीज़ मेरे घर की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब वो मिस्त्री अब इस घर में नहीं आएगा फिलहाल। ज़रा दिखाता हूँ उनको, वॉशरूम का डोर, इसको खोला, इसको ओपन किया, ये चीज़ ये फुली तैयार हो चुकी है, मशरूम हमारा तैयार है। कमी है तो पहले के, नहीं तो चमक रहा होता यकीन करें, जैसे ये वाइट इसका मटेरियल है। तो खैर ये बिल्कुल ओके हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें जैसा के ऊपर कुछ एक्सेसरीज से भी था, शीशा टूट गया था मुझसे कल, पता है कल जैसे मैं ले के आया ना तो पूरा ठीक आया, बाइक के पीछे बंधा हुआ था पूरा रास्ता ठीक आया, बाइक भी स्पीड में थी, लेकिन जैसे ही घर आया, घर बाइक खड़ाई उसको उतार रहा था तो मेरी ही मिस्टेक की वजह से शीशा बिल्कुल हाफ हो गया, टूट गया बीच में से ना, तो अभी इसमें शक्कर किसी नजर नहीं आती, यहाँ पे कुछ होती है, यहाँ पे कुछ होती है, बीच में कुछ होती है। तो खैर अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये सस्ती सेट टावर के लिए, ये शावर, उसके बाद ये काउंटी वहां पे लगाइए जहाँ पे शीशा लगना है इंशाल्लाह विंडो ये, और वहां पे एग्जॉस्ट का पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम एग्जॉस्ट लगाएंगे, मतलब ये कल हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है प्रॉपर। पहले यहाँ पे हमने होल नहीं छुड़वाया था, पहले हमारा मूड था कि हम इसी में ही, मतलब इसी जो होल विंडो है ना इसी में हम लगा देंगे शीशा और वो भी एग्जॉस्ट भी, लेकिन अभी सबके मुशावरे से ये कहा गया कि एग्जॉस्ट ऊपर लगाया अलग। छोन भी आ जाओ, क्या कर रहे थे आप, क्या कर लेते, क्या कर लेते आपके छोनो, इधर लाओ, आपके माँ बाबा नहीं आए अभी, आपके अम्मी अबू नहीं आए अभी। भाई भाभी लोग, भाई भाभी लोग कब के गए थे आप लोगों के सामने, अभी तक वो नहीं आए, सुहान अकेला घर पे आए, हानिया साथ है, तो ये बेचारा इधर उधर भटक रहा है।
छाम दो छाम देता है, चंगा बच्चा छाम भी देता है। इसका जख्म कैसा है अब माशाल्लाह ना देखो, छोड़ता जा रहा, अब ये बिल्कुल कम होता जा रहा है माशाल्लाह। कहाँ है मोबाइल चाहिए आपको? है मोबाइल चाहिए आपके अम्मी अबू? नहीं है अभी, नहीं है। चलो चलो भाई, मम्मा सुहान का इंतज़ार हुआ ख़त्म, उसके बाबा जो है वो आ गए हुए हैं बाइक पे। आए हाय हाय भाई, इतने शापर वाप शापर वापर, ये वो सारा कुछ देखें। हनो आपकी शॉपिंग हो गई है? हाँ ये आओगे कब पे? हानिया का ड्रेस देखो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी हानिया का ड्रेस लग रहा है मुझे। हैं काफी सारे ड्रेसेस हैं भाई। हानिया ये देखो, हानिया बिजी हो गई काम में, हैं अपने कपड़े देखने में बिजी हो गई। भाई और मैं अभी यहाँ पे घर पे आए थे, क्योंकि मेन रीज़न यह है कि सर्विस यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करना काफ़ी आसान हो जाता है। मैं भाई तो रोज़ आते हैं, लेकिन मैं आज आया हूँ क्योंकि आज मुझे वहाँ पे सर्विस बहुत लो मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो चलो भाई चलते हैं जहाँ पे रोज़ भाई अपलोड करते हैं, मैं भी वहीं पर जा कर करता हूँ, शायद कुछ स्पीड आ जाए। भाई भी वहाँ पे बैठे हुए, देखिए टेरेस पे बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं। अच्छा आप लोग ने एक बात लाजमी कमेंट बॉक्स में बतानी है कि आप लोगों को शॉपिंग कैसी लगी मेरी आज की। मतलब उसमें हमने एक ड्रेस लिया वलीमे का, शेरवानी तो ली थी, एक ड्रेस लिया है बरात का, एक ड्रेस लिया वलीमे का जो कि वास्को डी नीचे होगा, एक हमने एक्स्ट्रा ड्रेस लिया है, और चौथी चीज़ हमने एक लिया शलवार, मतलब एक ऐसी, क्योंकि मेरे पास बोजकी की कमीज़ पड़ी हुई है तो मुझे सिर्फ शलवार की ज़रूरत थी, थोड़ा सा कपड़ा ज़रूरत था, तो वो मैंने एक वाइट में लिया। तो इस तरह मेरे टोटल मिला के चार हो जाएंगे, चार ड्रेस, एक दो बाकी घर पर भी होंगे बहुत हैं, तो शादी के लिए इतना तो काफ़ी है यार। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजम बताना है आप लोगों को शॉपिंग कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अंधेरा काफ़ी छा चुका है, अभी यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग करने के बाद फिर घर भी जाना है, और तैयारियाँ साथ साथ चल रही हैं, जैसे जैसे साथ साथ चल रही हैं हर हर चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं, होप्स आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। और अच्छा काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अभी शेरवानी ना दिखाएं अपनी, तो भाई मैंने दिखा रहा, सही कह रहे थे वो भी, वो कह रहे थे कि भाई एक ना दूल्हा वाली अचानक से लुक दिखाइएगा, मतलब एक दूल्हा लुक दिखाइएगा, अब हम पहले शेरवानी देख रहे हैं फिर वो मज़ा नहीं आएगा दूल्हा देखने में ना, तो भाई मैं तो नहीं दिखा रहा शेरवानी, जो भी है जो भी होगी आप देख लेंगे शादी पे इंशाल्लाह। भाई सब्र करो यार, 8 दिन रह गए सारे हैं, मैं कर रहा हूँ आप क्यों नहीं कर सकते। तो खैर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें भाई, शुक्रिया। तो मिलते हैं आप लोगों से कल एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।